जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव। मित्रों, श्रावण मास का शुभ माह चल रहा है। भोले बाबा को लोग प्रसन्न कर रहे हैं, जलाभिषेक कर रहे हैं। भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सावन का महीना बहुत ही शुभ माना गया है। उसी श्रावण मास में आज के दिन नाग पंचमी का त्यौहार मनाया जा रहा है। इस नाग पंचमी के त्यौहार में उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी प्रथा चली आ रही है। यहाँ पर घर की महिलाएं कपड़ों से छोटी छोटी सी गुड़िया बनाती हैं और यहाँ के बच्चे जो होते हैं लकड़ी से, लाठियों से, कहीं पेड़ की टहनियों से उन गुड़ियों को चौराहों पर पीटते हैं। आखिर क्या कारण है, क्या वजह है जो ऐसा उत्तर प्रदेश में किया जाता है, आज मैं आपको इसके बारे की जानकारी देता हूँ। एक कहानी है, एक कथा है कि राजा परीक्षित को तक्षक नाग ने डस लिया, उसकी वजह से राजा परीक्षित की मृत्यु हो जाती है। कई पीढ़ियाँ बीतती हैं, कई पीढ़ियों के बाद जब चौथी पीढ़ी आती, तक्षक की चौथी पीढ़ी आती है, उस चौथी पीढ़ी की कन्या और राजा परीक्षित की चौथी पीढ़ी का पुत्र यानी वहाँ का राजा, उन दोनों में विवाह हो जाता है। तो जब एक दिन वो महारानी यानी तक्षक की जो वंशज थी वो कन्या, उसने अपनी ही एक सेविका से अपने पुरानी बात कह दी कि तक्षक ने राजा परीक्षित को काटा था तो उनकी मृत्यु हो गई थी। ये पूरी कहानी उसको बता दी और ये भी कहा कि किसी से बताना नहीं। परंतु उस सेविका की पेट में बात हजम नहीं हुई और उसने अपनी एक सहेली से बता दिया, उस सहेली ने अपनी दूसरी सहेली से बता दिया। ऐसे करते करते बात पूरे राज्य में फैल जाती है और ये बात जब तक्षक के परिवार में पहुंचती है, खानदान का जो राजा होता है उस समय उसको बहुत क्रोध आता है। उसने उस क्रोध में उस राज्य की सारी लड़कियों को एक चौराहे पर बुलाता है और उन्हें कोड़ों से इतना पिटवाता है कि सबकी मृत्यु हो जाती है। तभी से ये परंपरा चली आ रही है कि चौराहों पर गुड़ियों को पीटा जाता है। अब गुड़ियों को क्यों पीटा जाता है, इसके बारे की मैं कहानी बताता हूँ। तो राजा परीक्षित के खानदान से एक राजा ने, उन्होंने क्या किया कि औरतों को यानी लड़कियों को गुड़िया रूप में बना दिया और उस गुड़िया को चौराहों पर पिटवा दिया। यानी कि अब जो तक्षक की वो परंपरा थी वो भी चल रही है और ये भी चल रही है। तो ये उत्तर प्रदेश में काफ़ी मनाया जाता है। एक कहानी मैं और आपको बताता हूँ। भोले भगवान का एक भक्त था। वो प्रतिदिन शिव के मंदिर में जाता था और शिवलिंग पर जल चढ़ाता था। वह उस शिवलिंग पर एक नाग बैठता था जो मड़ के साथ था। वो प्रतिदिन देखता था कि ये भक्त आता है और भोलेनाथ पे जल चढ़ाता है, बड़ा प्रेम करता है। उस नाग को भी उस व्यक्ति से प्रेम हो जाता है, प्रेम इतना बढ़ जाता है कि वो जब भी भक्त मंदिर पहुँचता है तो पैरों से लिपट के उस भक्त से खेलने लगता है। एक दिन उस भक्त की बहन उसके साथ मंदिर जाती है। मंदिर में जब बहन देखती है कि अरे मेरे भाई के पैर में नाग लिपट गया है, तो वहीं पर मंदिर में पड़े एक डंडे से वो उसे पीट के मार देती है। ये बात उस भक्त को बहुत बुरी लगती है। उसने कहा, अरे बहन तुमने ये क्या कर दिया। उसको पूरी कहानी बताई। अब वो बहुत दुखी हुई, परंतु वहाँ के जो लोग थे, मंदिर के जो पुजारी थे, उन्होंने कहा इस कन्या को दंड मिलना। तो जो पढ़े लिखे ज्ञानी पुरुष थे उन्होंने कहा इसको दंड कैसे दिया जाए। कपड़े की गुड़िया बनाई गई और कपड़े की गुड़िया बनाकर नाग पंचमी के दिन उसको पीटा गया और उधर नाग की पूजा की गई। अब तो लोग घरों में नाग बना के उनकी पूजा करते हैं और उन लोगों का कल्याण होता है, सुख परमात्मा की कृपा उस परिवार पर बनी रहती है। तो मित्रों, ये छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हुई हो तो हमारे इस चैनल स्टार भजन कीर्तन को अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद मित्रों। जय श्री राधे राधे। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव।